हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद। आपके चैनल भैया जी टेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, उसके बावजूद भी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को लेके मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और मैं बता दूँ दोस्तों कि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज के डेट में मेरे यूट्यूब चैनल का पहला पेमेंट आ गया है। ये बातें आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी था। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं अपने एक छोटे से यूट्यूब करियर के बारे में थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करूँगा और कितना टाइम लगा ये पेमेंट आने में मेरे पास और कितना पेमेंट आया है ये सारी बातें आपको बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। हाँ दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम अपनी YouTube जर्नी के बारे में थोड़ी सी बातें करें। दोस्तों मैं बता दूं कि जो ये मेरा भैया जी टेक चैनल है लगभग साल भर पहले शुरू होगा, तो आपको भी पता होगा दोस्तों कि शुरू में हमारे चैनल पे व्यू नहीं आते, वो किसी के चैनल पे भी शुरू में व्यू नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा एक तरह से कहा जाए तो डिमोटिवेट हो गया था और अपने चैनल पर काम करना बंद कर दिया था और 3-4 महीने तक उस पर काम नहीं किया। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार क्या करना है, अपना वीडियो रेगुलर डालते रहो, अगर व्यू आएंगे तो आएंगे, नहीं आए तो कोई बात ही नहीं है। तो 3-4 महीने बाद दोस्तों मैं अपने चैनल पे एक दिन गैप करके एक वीडियो डालना शुरू किया। हाँ दोस्तों, मैं शुरू में बेसिक टॉपिक जो होती है उसी पे वीडियो बनाना शुरू किया। मैं ये नहीं समझा कि सामने वाले को ये टॉपिक के बारे में पता होगा। हाँ, मैंने बेसिक टॉपिक चुना जिसके वजह से मैं बड़ी आसानी से जो भी टॉपिक था उसको प्रेजेंट कर सका अपने जो सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर हैं। और मैं बता दूं दोस्तों कि मेरे कुछ वीडियो ऐसे हैं जिसपे 1 लाख से ऊपर व्यू हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बता दूं दोस्तों कि 5-6 महीने बाद जो आपने प्यार सपोर्ट मुझे दिया, कमाल हो गया। और आज के डेट में दोस्तों हमारा जो चैनल है लगभग 7000 के आसपास मेरे फैमिली मेंबर हैं हमारे चैनल के, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं दोस्तों चैनल के बारे में कि कब ये मोनेटाइज हुआ। तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको शुरू में पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि यूट्यूब के जो क्राइटेरिया हैं शुरू में आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे जो वॉच टाइम है उसको पूरा करने में शुरू में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये मेरे साथ भी हुआ और अगस्त के महीने में मेरा दोस्तों चैनल जो वो बड़ी आसानी से मोनेटाइज हो गया। बात आ जाती है दोस्तों कि आपका जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपके एडसेंस अकाउंट में $10 जब हो जाते हैं तो यूट्यूब आपको गूगल वेरिफिकेशन पिन भेजता है। तो उसको आने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि आपको भी पता होगा कि दोस्तों अभी अगस्त के महीने में लॉकडाउन चल रहा था, तो 1.5 से 2 महीने के बाद मेरे को YouTube वेरिफिकेशन पिन मिल गया, जिसमें मैंने थोड़ा सा गलती किया कि बैंक ऑफ इंडिया का जो था वो नंबर दे दिया अपना अकाउंट नंबर, तो उसमें थोड़ा सा लोचा हुआ मगर बाद में जाके वो भी प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो गई। और दोस्तों इस महीने में मुझे यूट्यूब की ओर से मेरा पहला पेमेंट आ गया है। अब कितना पेमेंट आया है दोस्तों वो आपके साथ शेयर करूँ तो मैं बता दूँ दोस्तों कि इतना पेमेंट आ गया है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना पेमेंट भी YouTube मेरे को दे सकता है और एक पैसा भी YouTube ने उसमें से कट नहीं किया था। और इतना पेमेंट तो मैं आपको ओपन करके नहीं बता सकता मगर एक रफली आइडिया दे सकता हूं कि जो मेरे पास ये Realme 7 Pro है वो मैं YouTube की मनी से परचेज किया था। हाँ दोस्तों, उसमें 2000 मुझे एडिशनल ऐड करने पड़े थे, तो आप गेस कर सकते हैं कि YouTube से कितना पैसा मेरे को मिला था। मैं आपसे दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप YouTube पे काम करना चाहते हो या अभी शुरू में करियर शुरू किए हो तो आप शुरू में बेसिक टॉपिक पे वीडियो बनाइएगा जिसका आपको बहुत अच्छी से नॉलेज हो और उसको प्रेजेंट आप अपने सब्सक्राइबर हो या व्यूअर हो उनको अच्छी तरह से कर सकें, तब उस पर आपको 100% चांस है कि व्यू आएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप शुरू में वीडियो डाले तभी व्यू आए, कई बार ऐसा होता है कि 1-1.5 महीने बाद भी आपके उस वीडियो पर व्यू आते हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। धन्यवाद।